जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नासिक के बोगटे में काल भैरव नाथ यात्रा उत्साह के साथ शुरू हुआ। श्री काल भैरव नाथ यात्रा येवला तालुका में बोगटे में शुरू होती है और वह इस यात्रा के 100 साल की परंपरा भी है। 15 दिनों के यह तीर्थ यात्रियों के दौरान नगर धुले और नंदपुरा नासिक जलगांव जिलों में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। येवला तालुका के बोगटे गांव में यह सबसे लंबी यात्रा के रूप में जानी जाने वाली श्री काल भैरवनाथ की यात्रा 8 दिनों तक चलती है और यह सफर आज से शुरू हो चुका है। लगभग 100 वर्ष पुरानी चल रही इस यात्रा आज भी अखंड रूप में जारी है। महाराष्ट्र के नासिक, अहमदाबाद, धुले, मुंबई, संभाजीनगर जिलों में यह तीर्थ यात्रा और अन्य राज्यों में भी नागरिक यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यात्रा उत्साह के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भी यहाँ लाभ उठाते हैं। बोगटे गावातील यात्रेनिमित्त आम्ही पंचक्रोशीत जे काही मंडळी आहे जी बाहेर गावी नोकरीनिमित्त स्थावर आहे सर्व मंडळी आम्ही फक्त आणि फक्त बोगटे गावाच्या यात्रेसाठी न चुकता स्वतः एक सुट्टी टाकून नोकरी आमचा पेशा असताना आम्ही फक्त भैरवनाथाच्या श्रद्धेपोटे पूर्ण वेळ साप्ताहिक सुट्टी टाकून आम्ही गावामध्ये उपस्थित असतो। बरीचशी मंडळी पंचक्रोशीतील देवळी दुगलगाव बोगटे अंदर सुगुणेरवाडी या ठिकाणची मंडळी आज नोकरी बाहेर गावी बाहेर राज्यात असताना फक्त फक्त स्वस्त आणि यात्रेच्या निमित्ताने आम्ही ते तेलवनाच्या दिवसापासून तर शेवटच्या दिवसापर्यंत साप्ताहिक सत्रापासून हजर असतो। त्यामध्ये समावेश मी स्वतः नाशिक जिल्ह्यामध्ये कार्यरत नोकरीसाठी नाशिक सारख्या ठिकाणी आहे। आमचे बरेचसे मित्र संभाजीनगर असेल, नगर असेल, पुणे असेल, त्यानंतर हैदराबादला असेल, अशी सर्व मंडळी फक्त यात्रेच्या निमित्ताने साप्ताहिक सुट्टी टाकून। बुलढाणा में खामगाव कृषी उपज मंडी समिति का चुनाव प्रचार शुरू। बुलढाणा जिले की 13 वर्ष की वह उपज मंडी समितियों में से 10 से निदेशकों का चुनाव हो चुका है और इसमें पूर्व विधायक दिलीप सानंदा ने नेतृत्व में विगत 20 वर्षों के कांग्रेस के नियंत्रित में और जिले के महत्वपूर्ण माने जाने वाली यह खामगंज कृषि उपज मंडी समिति का चुनाव प्रचार आज से शुरू हो चुका है। वंचित बहुजन एक अघाड़ी भी इसी स्थान पर महाविकास अघाड़ी के शामिल हुए हैं और वंचित बहुजन वह अघाड़ी के पदाधिकारियों ने महाविकास अघाड़ी के स्थान पर मिलकर इस अभियान का नारियल फोड़ कर एक दूसरे पर गले मिलकर उन्होंने कार्यक्रम को शुरू किया है। गेल्या 25 वर्षापासून आम्ही सोळत या ठिकाणी निवडणूक लढवत आहे, परंतु पहिल्या 5 वर्षामध्ये आम्हाला यश त्या ठिकाणी आलं नाही, परंतु त्याच्यानंतर जेव्हा आमची युती झाली तेव्हा आम्ही भरघोस यशाने त्या ठिकाणी तिथे आम्ही निवडून गेलो। आणि जेव्हा तुमचे काही जुने पत्रकार असतील त्यांना माहीत असेल की ते एक छोटंसं ऑफिस होतं आणि त्या ऑफिसची जेव्हा साफसफाई झाली तर तिथे कमीत कमी एक ट्रकभर दारूच्या बाटल्या त्या ठिकाणी फटल्या होत्या, ही गोष्ट सत्य आहे। आणि ते पत्रकारांनी टाकितलं होतं, आम्ही टाकलं नाही। आणि एक छोटंसं ऑफिस होतं, परंतु जेव्हापासून आमची ही आघाडी 20 वर्षापासून आहे तेव्हापासून त्या आघाडीने पूर्ण प्रयत्न त्या ठिकाणी केले। आज आपण पाहता मोठमोठे ऑफिसेस त्या ठिकाणी झालेले आहे, शेतकऱ्यांकरता सर्व सुखसुविधा त्या ठिकाणी झालेल्या आहे, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना पाणीसुद्धा भेटत नव्हतं अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी होती। म्हणून या 20 वर्षापासून जी आम्ही तिथे प्रगती त्या ठिकाणी करत आहोत आणि शेतकऱ्यांचे कामधंदे शेतकऱ्यांच्या सगळ्या सोयी त्या ठिकाणी करत आहो, त्यामुळे आम्हाला 20 वर्षापासून आमच्या हाती सत्ता त्यांनी या ठिकाणी दिलेली आहे। आणि आता तर आमच्यासोबत राष्ट्रवादीसुद्धा आहे, शिवसेनासुद्धा आहे, त्यामुळे आम्हाला निश्चित 100% आणि आम्ही जो 20 वर्षात त्यांचा विकास केला आणि यापेक्षाही जास्त विकास आनंदा साहेबांनी सांगितलेला आहे की शेतकऱ्याकरता आम्ही या ठिकाणी गोडाऊन खुलणार आहोत, त्यांना आर्थिक सहायसुद्धा त्या ठिकाणी करणार आहोत। आणि ती कृषी उत्पन्न बाजार समिती एवढी पॉवरफुल आहे की त्याला कोणत्याही बँकेकडे कर्ज घेण्याची गरज राहणार नाही, त्यांचा विकास त्या ठिकाणी केला जाईल, म्हणून निश्चितच आमचा विजय झाल्याशिवाय राहणार। बीड के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों का निरीक्षण। नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे के फिलहाल बीड जिले का दौरा पर है और वही क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लिया जा रहा है। दानवे के केज के यह बोरंगाव और पाटोदा तालुका में वह बेलघंडी पाटोदा के बाद क्षतिग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया हुआ है और एक विपक्षी पार्टी के तौर पर हम एक विपक्षी पार्टी के तौर पर किसानों के लिए काम कर रहे हैं और प्रदेश के किसान इस समय
आसमानी और सुल्तान संगठन से जुट रहे हैं और इनसे काफी नुकसान भी झेलने को मिल रहा है और फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। तारमी ने कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द मदद जरूर मिलेगी और जिले में खराब मौसम और ओले के कारण और गारपीट गिरने के कारण काफी नुकसान पहुंच रहा है फसलों को और इसी का निरीक्षण तारवे ने किया हुआ है और कहा है कि जल्द से जल्द इनको मदद दी जाएगी। रोज वेगवेगळ्या जिल्ह्यात आता संभाजीनगरात मी आधीच गेलो, नंतर नाशिकला गेलो, आज बीडला आलो, उद्या आंबेडकर जयंती आहे त्यामुळे उद्या दौरा करताना आणि परवाच्या दिवशी विदर्भात मी जाणार आहे। उशीर जरी झाला तरी हे काही सगळं नष्ट थोडी झालेलं आहे, याची सगळी पाहणी करून शेतकऱ्यांना एक आधार देण्याची आवश्यकता ते काम करतो आम्ही विरोधी पक्ष। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।